क्वेश्चन है हमारे पास, वैसे तो इजी है लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बच्चे जब ऐसे रिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं फोबिया की वजह से वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से थोड़ा सा धीरज रख के सोचें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन ने हमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो इज़ नॉट एन आइसोमर ऑफ द अदर्स। तो इन चारों में से कोई एक कंपाउंड ऐसा है जो बाकी तीनों के साथ आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आइसोमेरिज्म है, हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो हमें पता ही चलता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो चारों में 8 कार्बन है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो रिंग है तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन दो रहेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन टू रहेगा, यहाँ पे भी दो रिंग है तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन टू रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन रिंग है तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो कितना हो जाएगा? 3। तो ये तीनों का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन रहता है 2 और इसका रहता है 3। तो हम कह सकते हैं ए जो डी वाला ऑप्शन है वो ए बी और सी में दिए गए जो कंपाउंड है उसके साथ आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो डी इज़ अवर करेक्ट आंसर।